अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, कैसे हैं आप लोग? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फिर से लेकर आए हैं हम। अच्छा, फिर से पहले भी लेके आए थे, लेकिन वो इंडिया का था, ये पाकिस्तान का। तो आज हम फिर से एक्सपोज करने वाले हैं ढोंगी बाबा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जाली पीर, जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं आप लोग, पीर मुरीदी में जाली, बिल्कुल ढोंग एक्सपोज करने वाले हैं इसको हम। ओके, और एक्सपोज मतलब यानी एक्सपोज वाले पे रिएक्शन देने वाले हैं हम। रिएक्शन देने वाले हैं तो हमें करता हुआ मिल गया है। हाँ, उस पे रिएक्शन दे रहे हैं और देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो गाइस, लास्ट वीडियो हमने बनाई थी इसी पे, एक्सपोज पे ही, ढोंगी बाबा और अंधविश्वास, इस टाइप की वीडियो हमने बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, बहुत नेगेटिव कमेंट आए हमें, इंडिया से ही थे वो। हाँ भाई, तो हमने किसी के धर्म को गलत हाँ, नहीं बोला, हमने खाली एक नॉर्मली कंट्री की एक वीडियो हमने बस उस पर रिएक्शन दिया, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इंडिया में ही बनी है, हमने उसी पर रिएक्शन दिया। और इसी तरह हम ये ऑलरेडी वीडियो जो पाकिस्तान में बनी है, हम इस पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो हमारा कोई मकसद किसी की दिल आजारी करना बिल्कुल भी नहीं था। और भाई देखें, दोनों जगह ढोंग तो फैला हुआ है बिल्कुल, आप ये वीडियो देखेंगे ना आपको अंदाजा होगा। आप लोग में से जितने भी जो उनके फॉलोअर्स होंगे उनको बुरा लग ही रहा होगा कि हम शायद उनपे कोई सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यार एक अकल भी बोलती है कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, हमारा भी मजहब जैसा है, जिसका भी मजहब जैसा है, अगर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज है तो आपके इंसान की भी अकल कह रही होती है कि हाँ ये चीज सही है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, भगवेश्वर राम, भगवेश्वर धाम है कोई शास्त्री साहब, तो उनके ऊपर हमने रिएक्शन दिया था, तो हमने बहुत नेगेटिव कमेंट मिलने को सुने। और फिर हमने बोला यार अभी वीडियो बनाते हैं, कोई रिएक्शन वीडियो, उसमें हम क्लियर करेंगे ये सारी चीज़ें कि भाई हमारा मकसद आप लोगों की दिल आजारी करना नहीं था, हम जस्ट रिएक्शन दे रहे हैं आप लोगों की कंट्री की वीडियो है उसके ऊपर। तो हम देते हैं चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है इस वीडियो में। ये वाले बाबा को भी देख लेते हैं भाई, ये पाकिस्तान के बाबा हैं, पाकिस्तान के बाबा हैं और मशहूर बाबा हैं, काफ़ी ये ट्रेंड पे भी रहे, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जानते भी उनको, जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ये मीम्स वगैरह भी बहुत सारे। इनका नाम जो है हक खतीब हुसैन बादशाह अली सरकार, मजाक है ये, मजाक है, इनको कहते हैं नाम से आप अंदाजा लगा लेंगे कितने लंबा नाम है और नाम से भरम देखें आपके इनके कितने भरम है। तो हम जरा देखते हैं इनको और आपको भी, आप भी देखें, फिर बाद में डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स गो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम से मशहूर और खुद को अल्लाह का वली कहने वाले हक खतीब साहब की 5 झूठी करामतें। दोस्तों, इससे पहले हम आपको इसी हवाले से चंद जरूरी बातें बताना चाहेंगे। दोस्तों, ये खुद को खुद ही अल्लाह का वली कहता है और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जो बंदा खुद को अल्लाह का वली कहता है वो अल्लाह का वली नहीं है, वो झूठ बोलता है। ये किसी की आंख से कील निकाल रहा होता है और किसी के बाजू से तारे निकाल रहा होता है। मुहद्दिसीन यहाँ तक लिखते हैं कि जो बंदा पानी पर चले, हवा में उड़े और आग में उतर जाए, उसे अल्लाह का वली मत समझना, क्योंकि वो शैतान है जो जिन्नात की मदद से शोभताबाजियां दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बात तो ये कि जिन लोगों को ये मजमे में एकदम शू करके ठीक कर देता है, वो लोग इन्हीं के खड़े किए गए होते हैं जिनके साथ ये ड्रामे गिरी करता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये अचानक किसी बंदे को ठीक करता भी है तो वो जिन्नात की मदद से करता है, और जिन्नात की मदद भी ऐसे शोभताबाजों को ईमान के बदले में मिलती है, जिसे करामत नहीं शोभताबाजी कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसकी 5 शोभताबाजियां और ड्रामे। नंबर 5, इस वीडियो में ये लड़का है
और ये मुकम्मल तौर पर नबीना है और हक खतीब साहब एक सेकंड में इसकी नजर ठीक कर देते हैं। आता है आते हैं नजर आ रहा है। अच्छा ये वो बंदे मतलब अपना करामत को रिकॉर्ड करवा रहे हैं और खुद से ही अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का वली हूं और ये मेरी करामत है, रिकॉर्ड करके दिखाओ लोगों को। मतलब ये है कि बोल ले कि क्या बोलते हैं, देखो भाई ये करामत है और करामत के बगैर ये लोग मानते नहीं है, तो इनको करामत करके दिखाना पड़ रही है तभी मुझे मानेंगे कि भाई मैं अल्लाह का वली हूं। ये सब इनके अपने ही लोग होते हैं और आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सारी चीजें की जा रही है, खेलना उनके साथ। वैसी आवाम सिर्फ अपना बिजनेस या अपने आप को एक फेमस यानी करना ये चीजों के लिए सब ऐसा ही है। बिल्कुल भाई अपने आप को बना लिया इन लोगों ने, आप लोग इन लोगों के चक्कर में ना पड़े भाई। मेरी तो आपसे यही एक इसलाह है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो बेहतर समझे। बिल्कुल देखते हैं आगे वीडियो। सोचिए एक बंदा है जिसकी नजर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और वो रुपया खर्च कर करके डॉक्टरों के धक्के खा खा कर मायूस होकर घर बैठ जाता है और एक दिन अचानक से एक रुपया भी लगाए बगैर उसकी नजर ठीक हो जाए तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये लड़का नजर ठीक होने पर दुगना परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बंदा झूठ बोलता है तो खुशी से हकीकत बात बोलिए। नंबर चार, ये मौलवी साहब अपनी बेटी को हक खतीब साहब के पास लेकर आते हैं और कहता है कि मेरी बेटी का पेशाब 3 साल और 3 माह से बंद था, डॉक्टर भी परेशान थे लेकिन आपके दम की बरकत से खुल गया। क्या मसला है? इसको ना छोटा पेशाब आता था ना बड़ा पेशाब आता था। अच्छा, और हमने कई पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इसकी हर टेस्ट किया, चेकअप किया, कहीं कभी जिला अस्पताल में भेजा। अच्छा, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना छोटा पेशाब है ना बड़ा पेशाब है। कितने टाइम से नहीं आ रहा था? 3 साल 3 माह से नहीं आ रहा था। 3 साल 3 माह से? 3 साल कैसे रह गई थी फिर? ये समझ में आने वाली बात। हाँ जी, और डॉक्टर ये कहते थे मौलवी तुम झूठ बोलते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। जब उसने टेस्ट किया, इसका पेशाब टेस्ट किया, कहते इसके अंदर ना छोटा पेशाब है और ना बड़ा पेशाब। तो अच्छा दोस्तों, जब इस लड़की का 3 साल से पेशाब बंद था तो यकीनन ये 3 साल के अंदर कुछ खाती पीती तो रही होगी। देखा, इन्होंने भी वही सवाल खड़ा किया जो अभी हमने आपके सामने खड़ा किया कि भाई ये कैसे थी और ये कैसे रह रही थी। वाकई में यार, तो यकीनन इसे पेशाब की हाजत भी पेश आती थी, तो पेशाब बंद होने की जो तकलीफ होती है ये वही जानता है जो इससे दो चार हुआ है। अगर किसी इंसान का यार बंदा मर जाता है भाई, जब उसका मतलब ये देखिए, अब जैसे अगर वहाँ एक चीज बताई गई कि यार 3 साल और 3 महीने लगे, मतलब आप मेरे जहन में भी एक सवाल ये खड़ा हुआ कि मेरी अकल ने भी ये सवाल खड़ा करा कि भाई 3 साल 3 महीने तक के वो जिंदा कैसे रह रही थी, कैसे हाउ। तो मतलब यही इंसान की भी एक अकल होती है कि यार उसको अगर एक चीज पता लग रही है कि यार वो सही भी है, अगर सामने वाला आपको करके दिखा रहा है या बता रहा है तो वो चीज कैसे हो सकती है, आपका दिमाग भी तो उस चीज को गवारा करता होगा। बिल्कुल, बताने का मकसद और रिएक्शन देने का मकसद ही अवेयरनेस है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से वो 4 से 5 दिन जिंदा रह सकता है। बिल्कुल, देखिए बंदे का मसाना फट जाता है। नंबर 3, अब ये सुने, हक खतीब साहब फरमाते हैं कि मैं 18 साल से सोया ही नहीं क्योंकि खुदा की खिदमत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कहीं एक बंदा भी खाली हाथ ना चला जाए। हमने सुना है, लोग कहते हैं कि जो अली बादशाह सरकार है, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, वो सोते नहीं है, ये इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है? आप देख सकते हैं कि रात शाम हो गई, अभी रात का वक्त है,
पूरी रात यहाँ मौजूद होऊंगा। इसके बाद अगला दिन जुमरात का है, उतरवारे लिए आप लावड़ा शरीफ चला जाऊंगा। लेकिन 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। इसलिए मैं सोया हूँ कि अगर दुनिया की कोई नौकरी करता है तो उसे दुनियादार मालिक से इतना खौफ होता है कि वो अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़ा रहता है तो मैं तो अपने रब की ड्यूटी करता हूँ। मैं उसके खौफ से इसलिए नहीं सोता हूँ कि कहीं उसका बंदा कोई मेरे दरवाजे पे आए तो खाली ना चला जाए। क्या तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा मखलूक खुदा का दर्द दिल में रखते हो? हमारे कैसी बात, कैसा अच्छा सवाल। तो रात को सोते भी थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे और अपनी बीवियों के हकूक भी अदा करते थे। बिल्कुल मालूम होता है कि तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार तो हो नहीं, ना जाने किसकी पैरोकारी करते हो। हक खतीब साहब फरमाते हैं कि मैं 18 साल से नहीं सोया। हम कहते हैं कि आपको जेल में बंद किया जाए और आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर नजर रखी जाए और आप हमें 10 से 15 दिन जाकर दिखा दें, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। ये बात बोली ना इसने, 2 दिन भी सही से बंदा ना ऐसा ना कर ले, मैं खुद बैत करने जाऊंगा भाई। इस वीडियो में लड़के के अंदर जिन हाजिर होता है हक खतीब साहब के सामने डर जाता है, माफी मांगता है और हक खतीब साहब इसे जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं और एकदम छू करके निकाल देते हैं। कमाल के एक्टर आते हैं। जबरदस्ती इस्लाम में कहीं नहीं है भाई। कलमा पढ़ोगे और जिन जब जिस्म से जुदा होता है तो बंदे की हालत कुछ टाइम के लिए बेहोशी की होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं जैसे आपने एक्टिंग दिखाई है। नंबर 1, दोस्तों ये तो हक खतीब साहब की कमाल की शोभताबाजी है। 1 सेकंड में लड़के की फालिज ठीक कर देते हैं और फिर 1 सेकंड में उसे भाई जो जो मांजूर है यहाँ जा सकता है उसे ठीक कर देता है। अब ये बच्चा मेरे पास पिछले हफ्ते इसके रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये कहते हैं कि इसको ब्रेन हेमरेज है। क्या ब्रेन हेमरेज? और ब्रेन हेमरेज की वजह से इस हाथ में फालिज है। अभी ये बिल्कुल ठीक है। अब चलो बेटा, अब देखते हैं जरा, ये जिस तरीके से मेरे पास आया था वो ये तरीका था। अबे ये देखिए फालिज है, ये इसको शायद कर करामते नहीं है, ये इसकी शोभताबाजियां हैं। क्योंकि करामत देखने से पहले अल्लाह, ये क्या था कि इसके अंदर अल्लाह के वलियों वाली कोई निशानी है भी कि नहीं। जब उसके अंदर कोई अल्लाह के वली वाली बात ही ना हो तो वो वली नहीं होता, वो शोभताबाज होता है। जो बात है, जो बात है चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान के लुटेरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये भाई, हर मजहब में हर बंदा जो जिसका ईमान पक्का है तो वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा, वो अपनी अकल का भी इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसके मजहब ने भी उसको यानी इस चीज़ की अवेयरनेस दी होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करें तो बेहतर है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी मजहब से रिलेटेड हो, तो इन चीजों पर भरोसा नहीं करें। अभी जो लास्ट का सीन था उस पे तो बहुत ही कुछ इन्होंने ओवर ही कर दिया, ऐसे करके यूं करके इसको पहले वाली हालत में लेकर आ गए, फिर वापसी सही कर, वापसी ऐसे करके उसको नॉर्मल कर दिया। अरे भाई क्या ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई बल्ला का वो है, क्या बोलते हैं, वली है, वली है कि वो एक चुटकी बजा रहा है तो उसको सही कर रहा है, वो एक चुटकी बजा रहा है तो खराब कर रहा है। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि वहां नहीं यहाँ भी है,
भाई अंधविश्वास ढोंग। अब इसका मतलब ये, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम को बुरा कह रहे हैं, हम इस्लाम को बुरा नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही हमने जो दूसरी वाली वीडियो थी उसमें भी हमने जब एक चीज पे रिएक्शन दिया था, तो हम किसी के मजहब को या हिंदू मजहब को हमने गलत नहीं कहा, बिल्कुल टारगेट करना नहीं, हम हर मजहब का एहतराम करते हैं। तो नेगेटिव चीजों को मत लें, पॉजिटिव पे लें चीजों को, क्योंकि हमारा मकसद खाली अवेयरनेस फैलाना है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका ईमान है, आप जैसा उसको बेहतर समझे। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में क्या? देखे ना, हर इंसान के पास एक होता है दिमाग, और कुछ जैसे चोर होते हैं हाथ की सफाई पता भी नहीं चलेगा आपको, आपका सामान गायब हो जाएगा, इसी तरीके से इस तरह के लोग होते हैं जो आपका माइंड वॉश कर देते हैं, और उनके पास टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स से आप बिल्कुल ही अपनी तरफ अट्रैक्शन करेंगे और आपको घेरेंगे। तो भाई आप लोग का ईमान, आपका ईमान अगर इतना कमजोर है तो फिर जाहिर है आप यानी भटक जाएंगे, लेकिन आप अगर ईमान पक्का है तो आप अपने ईमान पे खड़े रहेंगे और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो गलत होगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी बातें, और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें बताएं, लाजमी बताएं, अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो में कैसा लगा, कैसा लगा और ये क्या है, बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो आप हमसे जरूर शेयर करें हमारी वीडियो में, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कर दें ताकि और भी बहुत सारे काम है हमें करने हैं, हम वेट कर रहे हैं कि टारगेट है 2K सब्सक्राइबर का ना, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें और ये टारगेट को पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस सपनेपन के साथ, कि अपना बहुत सारा ख्याल ही रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।